छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में नेशनल हाईवे पर 53 पर लगभग 4 सालों से बन रहे 4 फ्लाईओवर ब्रिज का शुरू करने के लिए डेडलाइन जारी की गई है। बता दें कि दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने एनएच के अधिकारियों की समीक्षा बैठक की है, साथ ही चारों ओवर ब्रिज का काम जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं, जिसके बाद नेशनल हाईवे के अधिकारियों ने कलेक्टर से कहा कि अगले साल अप्रैल तक चारों ओवर ब्रिज शुरू हो जाएंगे। इस मामले में संज्ञान लेते हुए दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल ओवर ब्रिज निर्माण के निरीक्षण करने पहुंचे और विजय बघेल ने अधिकारियों से कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि काम को जल्द पूरा कर लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि फरवरी 2019 में शुरू प्रोजेक्ट जो कि फरवरी 2021 तक पूर्ण हो जाना था, इसकी वजह क्या है? अधिकारियों द्वारा कोरोना काल और बाजारों के बीच से हो रही पुनर्निर्माण में आवाजाही प्रभावित न हो उसे ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य में देरी की वजह बताई गई है। मकसद ये है कि जो डिले हो रहा है और लोग परेशान हैं, आए दिन एक्सीडेंट भी हो रहा है और लगातार मैं लोकसभा में इस बात को उठा चुका हूँ, साथ में भी माननीय गडकरी के साथ जो हमारी बैठक हुई थी पूरे छत्तीसगढ़ के सांसदों के साथ, उसमें भी मैंने प्रमुखता से बात उठाई और लगातार हम लगे रहे और आज फील्ड में इसे देखने आए हैं और जानकारी लेते हैं धरातल पे क्या स्थिति इसकी और क्यों ये लेट हो रहा है।